हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं पाइथन में। तो एब्सोल्यूट पाथ मतलब होता है फुल पाथ और रिलेटिव पाथ का मतलब होता है आप जिस फोल्डर में हैं उस किसी फाइल का पाथ उस फोल्डर के रिस्पेक्ट में क्या है। मान लिया मैं डेस्कटॉप पर हूं, अपने कंप्यूटर में मैं डेस्कटॉप पर हूं, यदि यहां पर मेरे पास कोई फाइल है जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग डॉट टी एक्स टी, तो जब भी मैं इस फाइल का पाथ बोलूंगा और देखूंगा वो कहां पर स्टोर है, यदि मैं इसको फुल पाथ देता हूं तो ये कहलाता है मेरा एब्सोल्यूट पाथ। यदि मैं डेस्कटॉप के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये डेस्कटॉप के रिस्पेक्ट में मेरे पास एक डिलीट फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। डॉट रिप्रेजेंट करता है मैं करंट फोल्डर किस फोल्डर में हूं। यहां पर मैं डेस्कटॉप में हूं तो डॉट मींस डेस्कटॉप में डिलीट फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पर ये फाइल देखो। और एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है आपका बेस डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी से उस फाइल का पाथ क्या है। तो यहां पर मेरा फाइल हैंडलिंग डॉट टी एक्स टी का पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग क्या है, सी में मैं यूजर में गया, यूजर में तन्मय में, उसके बाद डेस्कटॉप डिलीट देन फाइल हैंडलिंग। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव पाथ मेरा इन रिस्पेक्ट ऑफ डेस्कटॉप क्या है पाथ, डिलीट के अंदर, यहां भी आप देख सकते हैं डिलीट के अंदर फाइल हैंडलिंग में, तो ये कहलाता है रिलेटिव पाथ। अच्छा, हम इसको यूज कहां पर करेंगे, हम जब फाइल हैंडलिंग पाइथन में करेंगे तब हम जब यदि अपने डॉट पी वाई फाइल को किसी फोल्डर में रखते हैं तो उस फोल्डर में यदि मैं कोई फाइल रीड करता हूं तो वहां पर दोनों पाथ दे सकता हूं, आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। यदि मैं रिलेटिव पाथ देता हूं और मैं अपनी फाइल को कभी दूसरे डायरेक्टरी में मूव कर देता हूं तब मेरा फाइल एक्सेसिबल नहीं होगा यदि मैं रिलेटिव पाथ देता हूं। यदि मैं पूरा पाथ देता हूं एब्सोल्यूट पाथ तो मैं इसको अपने कंप्यूटर में कहीं भी रख दूं, ये मेरा रूट डायरेक्टरी से मेरी फाइल को सर्च कर लेगा तो मैं इसको इस फाइल को ढूंढ पाऊंगा। तो ऑलवेज इट इज बेटर फॉर यू टू यूज एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ आप तभी यूज करें जब आपको पता है कि ये फाइल जो है उसी फोल्डर में रहेगी जहां से आपकी रिक्वायर्ड फाइल एक्सेसिबल है, क्योंकि यदि मैं अपने डेस्कटॉप पर यदि इसको रखता हूं तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, बट इनकेस मैंने इसको डेस्कटॉप से हटा दिया और कहीं पर मूव कर दिया अपने फोल्डर में तो ये तो एक्सेसिबल होगा बट ये मैं एक्सेस नहीं कर सकता। सो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू टू यूज एब्सोल्यूट पाथ। दिस इज इट फॉर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। आगे आने वाली वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें सीखेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।